वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं जोन अल्फा की, जहां से आपको ये स्मार्ट वॉच परचेज करनी है। जोन अल्फा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्मार्ट वॉचेस मिल जाएगी, और अगर आप चाहो तो बिना किसी दिक्कत के यहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, किसी भी टाइप का इशू नहीं आएगा। इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप चाहो तो वहां पर विजिट करके प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूं इस DJI अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या आपको ये स्मार्ट वॉच परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर गाइस आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो अच्छी लग रही हो सो लाइक भी कर देना। और अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता सो मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हो टेक्नोनिक्स। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में ये स्मार्ट वॉच हमें मिल जाती है। चलिए हटा लेते हैं बॉक्स के ऊपर की प्लास्टिक को। बॉक्स पर हमें DT नंबर 1 की एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ वॉच के साइज की बात की जाए सो वॉच का साइज है 49 mm। उसी के साथ एप्लीकेशन सपोर्ट की बात की जाए सो इसी स्मार्ट वॉच में हमें Wear Pro एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। देन बैक साइड में इस प्लेस पर हमें वॉच का मॉडल नंबर मेंशन मिलता है जो है DT8 अल्ट्रा। उसी के साथ एंडिंग कॉर्नर पर आपको मेड इन चाइना की एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सो चलिए अब कर लेते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं वॉच के साथ क्या क्या एक्सेसरीज हमें मिलती है। बॉक्स के ओपन होने के साथ बॉक्स पर हमें काफी अच्छी लाइन देगी स्मार्ट वियर लिंक्स द पीपल एंड द वर्ल्ड, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा मैसेज लगा सभी के लिए। देन हटा लेते हैं ऊपर की कवरिंग को एंड देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं है। चलिए इसे रख लेते हैं साइड में एंड बात करते हैं वॉच के साथ मिलने वाले चार्जिंग केबल की। यहाँ पर हमें काफी लॉन्ग वायरलेस चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी की बात की जाए सो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए सो ये आपकी स्मार्ट वॉच को अप्रोक्स 1.5 में कंप्लीटली चार्ज कर देगी। उसी के साथ अगर स्ट्रैप्स की बात की जाए सो वॉच के साथ हमें 49 mm के स्ट्रैप्स मिलते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफी अच्छी लग रही है। वैसे तो गाइस अल्ट्रा वॉच इसमें डिफरेंट कलर के स्ट्रैप्स अवेलेबल है, बट पर्सनली मुझे ऑरेंज कलर सबसे बेस्ट लगता है। उसी के साथ आप अपना फेवरेट कलर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन चलिए हटा लेते हैं वॉच के ऊपर की प्लास्टिक को एंड देखते हैं ओवरऑल लुकिंग कैसी आती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इंप्रेशन में वॉच ने काफी अच्छा इम्पैक्ट शो किया है। वॉच के आउटर स्ट्रक्चर की बात की जाए सो इस पोस्चर पर आपको एक क्राउन बटन दिख रहा होगा जो कि वर्किंग है। उसी के साथ सेकंड नंबर पर हमें एक नॉइस कैंसिलेशन का फीचर प्रोवाइड किया गया है, देन एक पावर बटन। अदर साइड की बात की जाए सो यहाँ पर हमें स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसका साउंड टेस्ट मैंने वीडियो के एंड में किया है। देन यहाँ पर आपका एक ऑरेंज बटन दिख रहा होगा, इसे हम एक्शन बटन कहते हैं, जिसका यूज मैंने वीडियो में आगे बताया सो आप वो भी चेक कर लेना। बैक साइड की बात की जाए सो यहाँ पर हमें सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि वर्किंग है एंड ओवरऑल जो लुकिंग आ रही है बैक साइड की वो भी बहुत मस्त है। उसी के साथ बैक साइड में आपको वॉच अल्ट्रा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, आप लोग देख सकते हो, एंड जो इसका व्हाइट कलर है वो इसकी लुकिंग को और भी बढ़ा देता है। चलिए कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच को ऑन एंड मेजर करते हैं इसके फीचर्स को। यहाँ पर आपको एक क्राउन बटन दिख रहा होगा जिसको आपको लेट्स 5 seconds तक होल्ड करना है, देन आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। अगर मैं वॉच में नंबर ऑफ इनबिल्ड वॉच फेसेस की बात करूं सो उनके नंबर 7 एंड वॉच को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के बाद आप 500 प्लस फ्री वॉच फेसेस भी यूज कर सकते हो। और सबसे खास बात, इस प्राइस रेंज में आपको इसी स्मार्ट वॉच में कस्टमाइज वॉलपेपर का भी फीचर मिल जाता है। गाइस, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ऑरेंज बटन का एक्चुअल में यूज है क्या। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस बटन को हम एक्शन बटन कहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये सभी मोड्स एक्यूरेट डेटा शो करते हैं। सो गाइस, इसका आंसर है यस, ये सभी मोड्स आपको एक्यूरेट डेटा शो करते हैं। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसी स्मार्ट वॉच के वेट को। चलिए रख लेते हैं वॉच को वेटेड मशीन पर। यहाँ पर जो वेट निकल के आ रहा है वो है 64 grams। इस हिसाब से ये एक वेटेड स्मार्ट वॉच है। देन चलिए अब मेजर करते हैं मेन्यू बार के कुछ मेन फीचर्स को। मेन्यू बार में सबसे पहला फीचर हमें ब्राइटनेस कंट्रोल का मिल जाता है, इससे आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ आप ये जो आइकन्स देख पा रहे हो ये सेम iOS डिवाइस जैसे लग रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे जरूर बताना।
देन यहाँ पर आपको एक स्लीप मोड का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जिसका यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना सोते हो। उसी के साथ म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक म्यूजिक कंट्रोलर भी प्रोवाइड किया गया है। अदर फीचर्स की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आपको एक ड्रेनिंग का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जिसका यूज करके आप वॉच में स्टोर वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल सकते हो जस्ट वॉच को शेक करके। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक टॉर्च का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। आप जैसे ही इस ग्रीन बटन पर क्लिक करते हो सो जो टॉर्च है वो बेसिकली ऑन हो जाती है, बट ओवरऑल जो इसकी ब्राइटनेस है वो मुझे एवरेज लगी। देन यहाँ पर आपको एक SOS कॉलिंग का फीचर दिख रहा होगा, इस फीचर के थ्रू आप इमरजेंसी कॉलिंग कर सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में। ओवरऑल गाइस मेन्यू बार से रिलेटेड जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको सभी शो कर दिए। चलिए अब बात करते हैं ऑटो डिस्प्ले की। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता होगा DT सीरीज की कोई सी भी वॉच हो सब में आपको ऑटो डिस्प्ले का फीचर तो मिलता ही है। उसी के साथ इस स्मार्ट वॉच में भी हमें ऑटो डिस्प्ले का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। चलिए अब मैं आपको शो करता हूँ ओवरऑल पीक सनलाइट में डिस्प्ले किस टाइप से शो होती है। सो गाइस ये थी ओवरऑल डिस्प्ले पीक सनलाइट में। चलिए बात करते हैं इसी स्मार्ट वॉच में आपको कितने नंबर ऑफ मेन्यू स्टाइल्स मिल जाते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ इनबिल्ड मेन्यू सेट्स की बात करूं तो इसी स्मार्ट वॉच में हमें मैक्सिमम 11 मेन्यू सेट्स मिलते हैं, वो भी एक से बढ़के एक। चलिए गाइस अब मैं आपको सभी मेन्यू सेट्स फास्ट फॉरवर्डली शो कर देता हूं, आप चाहो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। गाइज मैंने आपको सभी मेन्यू सेट्स क्राउन एंड टच कंट्रोल दोनों बेसिस पर टोटली शो कर दिए हैं। एंड आई होप गाइज आपको सभी मेन्यू सेट्स अच्छे लगे होंगे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल वॉच को वियर करने पर आउटसाइड लुकिंग कैसी आती है। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। फाइनली बात करते हैं वॉच के सबसे मेन सेगमेंट का, जो है इस स्मार्ट वॉच के मेन फीचर्स। मेन फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कॉलिंग, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, उसी के साथ फिटनेस से रिलेटेड कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप कोई फिटनेस स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो आपके लिए स्मार्ट वॉच एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये फिटनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है वो मैं आपको अब शो करूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने हार्ट रेट फीचर ऑन कर रखा है, उसी के साथ मैंने अपना हैंड भी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉच हमें ये अलर्ट कर रही है कि वॉच के साथ हमने अपनी रिस्ट यानी अपनी हैंड को इन्वॉल्व नहीं किया। सो गाइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो सेंसर्स है वो एक्यूरेट है, बट फिर भी मैं आपको अपना हार्ट रेट चेक करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में वॉच रियल शो करते हैं या फिर एप्रोक्स में डाटा शो करती है। गाइस इस वीडियो से पहले मैंने एक और एप्पल वॉच अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग की थी, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे भी वॉच कर सकते हो। अभी आप जो मेजरमेंट देख पा रहे हो वॉच के हार्ट रेट मीटर का वो एकदम करेक्ट है, मैंने अपनी मशीन में भी चेक किया था, उसमें और इसमें दोनों में सेम आ रहा है। सो गाइस इस हिसाब से इस स्मार्ट वॉच के सेंसर्स एकदम एक्यूरेट है, आपको किसी भी टाइप का इशू नहीं आएगा। सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इस प्राइस रेंज में भी इस स्मार्ट वॉच में हमें कैलकुलेटर का फीचर अलॉट किया गया है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी एप्पल वॉच अल्ट्रा परचेज कर सके। देन यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर चेक करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, पर्सनली कहूं तो गाइस मुझे अभी बहुत तेज बुखार है एंड उस हिसाब से ये टेम्परेचर एकदम करेक्ट है। और गाइस फीवर होने के बाद भी मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, सो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट जरूर करना। गेम्स की बात की जाए तो इसी स्मार्ट वॉच में हमें दो गेम्स मिलती है। फर्स्ट गेम में हमें पजल सॉल्व करना होता है, जिसमें हमें एक टाइगर का पिक्चर दिया गया एंड इस पिक्चर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हमें इन सबको एक जगह मर्ज करके इस पिक्चर को बनाना है, क्रिएट करना है। और हाँ गाइज आप सभी सब्सक्राइबर्स में से कोई ऐसा बंदा जो इसको सॉल्व कर सके कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड गेम की बात की जाए तो यहाँ पर हमें वैकामोल नाम की गेम मिल जाती है, आप लोग देख सकते हो। इस गेम में हमें इस मोल को हैमर से मारना है इसके निकलने के साथ।
अब मैं आपको इस स्मार्ट वॉच का एक हिडन फीचर शो करता हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने शो नहीं किया होगा। आप सभी स्मार्टफोन यूज करते होगे, आप जैसे किसी एप्लीकेशन को ऑन करते हो उसी के साथ साथ उसे अपने डाटा से भी क्लियर कर देते हो। सो गाइस, वो फीचर आपको इसी स्मार्ट वॉच में मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग इजिली अपनी एप्लीकेशन को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम फैमिली भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं इसी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग साउंड टेस्ट एंड देखते हैं कॉलिंग के टाइम किस टाइप की साउंड क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको आ जाना है कॉलिंग के फीचर पर, देन यहाँ पर आपको कोई सा भी एक नंबर टाइप कर देना है। उसी के साथ आपको नीचे एक कॉलिंग का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपकी जो कॉल है वो अदर पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहते हो सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवा देता हूँ, जिसके लिए मैं अपनी साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। धीमी गति जैसे समस्या का सामना कर रही है। यह एक अस्थायी समस्या है और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। So guys, ये था इसी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग साउंड टेस्ट एंड आई होप आपको इसका कॉलिंग साउंड एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको इसी स्मार्ट वॉच में म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ एंड हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल म्यूजिक प्ले करने के टाइम किस टाइप की साउंड क्वालिटी हमें ये वॉच प्रोवाइड करती है। म्यूजिक प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है म्यूजिक कंट्रोल्स के ऑप्शन पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी स्मार्ट वॉच और मेरे स्मार्टफोन दोनों में म्यूजिक ऑन है। चलिए अब मैं आपको इसका म्यूजिक साउंड टेस्ट भी करवा देता हूँ, जिसके लिए मैं अपने साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। ओवरऑल गाइज, ये था इसी स्मार्ट वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट। आई होप आपको इसका साउंड एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अब हम फाइनली बात करेंगे कि कैसे आप इसी स्मार्ट वॉच को चीप रेट में परचेज कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको वॉच का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप वॉच को प्रीपेड डिलीवरी पर परचेज करते हो सो वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप सीओडी पर परचेज करोगे सो वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।